गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अरुण तुम्मा है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक साउंड रिकॉर्डिस्ट हूँ। टीवी एड फिल्म्स के लिए मैं साउंड रिकॉर्डिंग करता हूँ। पिछले 15 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और इस पीजीएफ प्लेटफॉर्म पे मैं पिछले 2.5 महीने से 3 महीने से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। रीज़न यही है कि मुझे कुछ एक सेकेंड इनकम मुझे चाहिए था। मैं हमेशा से मतलब मेरा एक ये था, खोज थी कि मुझे एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होना है, मुझे एक सेकेंड इनकम सोर्स मुझे चाहिए था। मुझे एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर वो एक सोर्स अगर कभी बंद हो जाए तो फिर आगे क्या। तो वो चीज़ मैं वो धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था। और लकीली मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया और आज मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट पे हूँ। ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी यहाँ पे नए जो भी आए हैं यहाँ पे आज, जिन्होंने भी उनको बताया तो जिसके बोलने पे भी आए उन पे भरोसा कीजिए, क्योंकि भरोसा करेंगे तो 100% कीजिए, क्योंकि भरोसा 99.99% भी भरोसा कोई काम का नहीं। करना है तो 100% भरोसा कीजिए और इस मीटिंग को, इस प्रेजेंटेशन को पूरे ध्यान से सुनिए एक बार, और जो भी डिसीजन है आप प्रोजेक्ट आप पूरा समझने के बाद में डिसीजन लीजिए, क्योंकि कोई भी डिसीजन आधे में लिया हुआ कोई भी डिसीजन वैल्यूएबल नहीं होगा आपके लिए। आप पूरा समझ लीजिए, उसके बाद में जो भी डिसीजन होगा वो आपका आपको आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं आपको डिटेल में इस बिजनेस के बारे में समझाऊंगा, तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, हम इस प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है। वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड, वीजीएफ यानी विक्ट्री गिविंग फॉर एवर, ये नाम कहीं पे फुल फॉर्म ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये इस सोच से बनाया गया है। वीजीएफ विक्ट्री गिविंग फॉर एवर कंपनी पीपीपी मॉडल पे काम करती है। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी जो कंपनी 100% प्रॉफिट शेयर करती है अपने पार्टनर्स के साथ में, इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग करती है, तो उसको पीपीपी मॉडल कहा जाता है। कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एमसीए पे रजिस्टर्ड है। एक कंपनी एक लीगल बिजनेस जो भी हम करते हैं उसको लीगल तरीके से काम करना है तो उसके लीगली डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं, तो वो हमको पूरे डॉक्यूमेंट्स हमको एमसीए साइट पे हमको मिलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट्स इस बिजनेस के बारे में आपको पूरे डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कंपनी के सीईओ है मिस्टर राजीव जायसवाल। हेड ऑफिस है थाईलैंड में, ब्रांच ऑफिस है दिल्ली में, एडमिन ऑफिस है लखनऊ में। कंपनी दोनों कंट्री में अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में ऑपरेट करती है। कंपनी के फाउंडर जो राजीव जायसवाल है उनके ऑलरेडी 2 बिजनेस सेटअप है, एक है ग्लास फैक्ट्री टाइटेनियम ग्लास, दूसरा है आरओ वाटर फिल्ट्रेशन, वो वाटर फिल्ट्रेशन मशीन वो मैन्युफैक्चर करते हैं। ये दोनों कंपनी का टर्नओवर जो है वो 90-100 crore ईयरली है, प्लस उनका एक 3-स्टार होटल है पटाया में। अभी यहाँ पे मेन बात हम यहाँ पे कुछ देखने आए हैं बिजनेस करने में, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट आपको किसी ने आइडिया दिया है एक अच्छा प्रोजेक्ट है, हम पैसा लीगली हम पैसा कमाने चाहते हैं तो किस तरीके से कमा सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट करके मीन्स कहाँ आपने शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया या कहीं एफडी किया, एक पीरियड के लिए रखा पैसा, उसके बाद में उसका जो भी प्रॉफिट होगा उस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। दूसरा है तरीका प्रोडक्ट वाइज, मीन्स आपने एक ट्रेडिशनल बिजनेस एक दुकान अपने शॉप खोला उसके बाद में अपने उसमें बिजनेस किया, वो एक अलग तरीका एक बिजनेस करने का, वहां से पैसे उस तरीके से पैसा कमा सकते। तीसरी सबसे ज्यादा चलने वाली इंडस्ट्री आज से सबसे ज्यादा वो है सर्विस इंडस्ट्री। हम ना चाहते हुए मीन्स आज हमारे लाइफ में वो हम मतलब इतनी घुल चुकी है सर्विस इंडस्ट्री। जैसे उसके एग्जाम्पल बोले तो ओला, हमको कहीं जाना है फैमिली के साथ में तो इजीली अवेलेबल हो जाती है कार, हमको जहाँ कहीं भी जाना है हमको कम पैसे में हमको मैनेजेबल हो जाता है, हमको इजीली अवेलेबल हो जाता है। हमको खाना ऑर्डर करना है, हमको कहीं जाना नहीं है, चलो घर पे मंगा लेते स्विगी जोमैटो, ये हमको इस तरीके से खाना हमको अवेलेबल घर पे ऑन द डोर हमारे घर पे अवेलेबल करके देती है। मेक माई ट्रिप, बड़े कहीं पैकेज हमको कहीं टूर पे जाना है तो हमने इजीली बुक कर लिया मेक माय ट्रिप।
ये जो सर्विस इंडस्ट्री है, ये ओला इनका खुद का कुछ भी नहीं है, ये ओला इनकी खुद की एक भी गाड़ियां नहीं है, फिर भी ये लाखों करोड़ दिन में कमाते हैं। हमारे जैसे लोग वहां पे गाड़ियां लगाते हैं, दिन भर बिजनेस करते हैं, अपना बिजनेस किया हुआ दिन भर का 25% एज अ सर्विस कमीशन उनको दे देते हैं। स्विगी में भी ऐसे, खुद का कोई होटल नहीं है, फिर भी एक एक होटल वाला आता है, एक कस्टमर आता है, अपनी डील करता है और उसका कमीशन स्विगी जोमेटो इन लोग अपने ले लेते। तो कुछ ना होते हुए भी सिर्फ सर्विस के ऊपर लाखों करोड़ों दिन में कमाते जाते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे ऐप बिजनेस है, फेसबुक है, जीपे, पेटीएम, ऐसे ये सब सर्विस गिविंग ऐप्स है, लाखों करोड़ों दिन में कमाते हैं। वैसे ही वीजीएफ इज ऑल्सो सर्विस गिविंग ऐप बिजनेस। अब वीजीएफ के बारे में डिटेल में बताया जाओ तो वीजीएफ इज ए टूर मैनेजमेंट कंपनी। VGF स्टार्ट हुआ सितंबर लास्ट ईयर, सितंबर 2019 में VGF स्टार्ट हुआ विद थाईलैंड टूर पैकेज विद 15 सर्विसेज। अब 15 सर्विसेज में क्या है, यहाँ से जाने के लिए फ्लाइट, आने के लिए फ्लाइट, वहां से पिकअप एंड ड्रॉप, होटल 3 नाइट 4 डेज का स्टे, वहां पे खाना पीना, घूमना फिरना, टोटल 15 सर्विस में अवेलेबल। ये अमाउंट है 44,999। अभी 44,999 ये कितने लोग अफोर्डेबल कर सकते हैं, कितने लोग इजीली जा सकते हैं, जिनके 5% लोग ऐसे होंगे जो लोग डिसाइड किया अभी जाना है तो चलो, 5% लोग ऐसे डिसाइड किया और चले गए। 95% लोग ऐसे बहुत लोग हैं जिनको जाना तो है, फॉरेन घूमना तो है, लेकिन उनको इजीली अवेलेबल नहीं होता है, उनको प्लानिंग करना पड़ता है, उनको डिसाइड करना पड़ता है कि अभी नहीं, थोड़ा पैसा मैनेज कर लेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट 6 महीने बाद जाएंगे, फ्लाइट देखेंगे सस्ते में, होटल स्टे देखेंगे, ये सब चीज मैनेज करके उसके बाद में वो ऐसे प्लान करके जाते हैं। फॉरेन घूमना तो है, उसमें थाईलैंड बैंकॉक, ये मोस्टली 80-90% इंडियन लोगों का ड्रीम है, मोस्टली यंग लोगों का, कि एक बार तो बैंकॉक घुमा जाए। तो यहाँ पे राजीव जायसवाल जी क्या बोलते, आप मुझे 45,000 मत दीजिए, आप जस्ट एक काम कीजिए, यू जस्ट डू द बुकिंग, 2,550 देके एक एडवांस बुकिंग कर लीजिए, आप पैकेज का एडवांस बुकिंग कर लीजिए। ये ऐसा हो गया जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन है, शादी है, बर्थडे पार्टी है, हमको उसको फंक्शन अच्छे से करना है, तो हम कहीं हॉल बुकिंग करते, तो उसके लिए हम कहीं हॉल बुकिंग करते तो 6 महीने पहले, 2 महीने 3 महीने पहले हम उसको एडवांस बुकिंग कर लेते हैं। वो एडवांस बुकिंग ऐसे नहीं होता है, हमको कुछ टोकन अमाउंट देना पड़ता है, उसके बाद में वही कंफर्म हो जाता है। जस्ट लाइक दैट 2,550 दे के हमने बुकिंग कर ली, हमको लाइफ टाइम वीजीएफ का मेंबरशिप मिल गया। उस वीजीएफ के जो भी आगे जो भी फैसिलिटीज होंगे वो हमको मिलेंगे उस मेंबरशिप के थ्रू, प्लस 5 इयर्स की वैलिडिटी, इस थाईलैंड पैकेज की वैलिडिटी 5 इयर्स। 5 साल में आपको जब भी जाना है थाईलैंड टूर पे आप तभी जा सकते हो, विद ये बाकी जो आपने जो भी बाकी के जो भी अमाउंट है वो आपने पे करके, आप उसको डेट फिक्स करके आप जब भी जाना चाहते हो तब आप जा सकते हो। और जब भी आप जाओगे कंपनी आपको कैशबैक देगी 5,000 का, 4,999 राउंड फिगर, 5,000 आपको कैशबैक मिलेगा, प्लस 10% डिस्काउंट। अगर आपके थ्रू किसी का बुकिंग होता है तो आपको एक एज अ बिजनेस कमीशन है, तो बिजनेस ऐसे ही होता है, आपको कुछ परसेंटेज आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 10% डिस्काउंट, 45,000 का 10% इज इक्वल टू 4,500। एक फिगर बोले 99 माइनस 9,500 करेंगे तो हमको ये पैकेज हो गया 35,500। 35,500 में ये वही चीज अवेलेबल है, 15 सर्विसेज जिसमें फ्लाइट भी है, होटल स्टे भी है, खाना पीना भी है, घूमना फिरना, टोटल 15 सर्विस, ये 35,500 में आपको यहाँ पे ये बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। अभी राजीव जायसवाल जी बोलते हैं कि आपको ये बेनिफिट लेके आप जा सकते हो, या तो ये भी पैसा अगर आपको नहीं भरना है तो मैं आपको एक यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता हूँ, वो बिजनेस कीजिए, आपको थाईलैंड क्या, मैं अलग अलग 18 कंट्रीज में आपको घूमने का मौका दूंगा, जहाँ पे आप अपने रैंक वाइज बिजनेस वाइज आप जैसे जैसे बिजनेस करोगे उसके वजह उसके हिसाब से आपको रैंक वाइज अलग अलग कंट्री में घूमने का मौका मिलेगा। तो लेट्स सी व्हाट इज द बिजनेस, बिजनेस क्या है वो समझते हैं हम। तो मैं आपको अभी बिजनेस के बारे में बताता हूँ, बिजनेस क्या है।
2550 हम जो पे करते हैं वो कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ये जो भी यहाँ पे होता है ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। हम 2550 पे करते हैं, वो VGF का एक ऐप है जहाँ पे एक PayU गेटवे लगा हुआ है, वो PayU गेटवे के थ्रू आपका पेमेंट होता है जो भी, तो यहाँ पे कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है। तो आप 2550 यहाँ पे करते हो, आप क्या करते हो, बुकिंग करते हो। अभी ये बुकिंग करते हैं, अब मैंने कहा था 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो ये पैसा तो 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वो पैसा बिजनेस एज अ बिजनेस हम कैसे, हमको वो बिजनेस में फायदा मिलता है वो हम इसके डिटेलिंग में समझेंगे। तो ये 2550 कैसे उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैं बायफर्केट करूंगा आपको। इसमें से 100 रुपीज स्पॉन्सर को चले जाते हैं, इसमें से फिर बचा 2450, इसमें से 200 रुपीज माइनस हो गया, ये 36 लेवल में जाते हैं। फिर बचे 2250, इसमें से 700 माइनस क्लब के लिए जाते हैं। मैं एक एक चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, मैं जस्ट बाइफर्केट कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पैसा जाता है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जो आपको बोला है वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ से बचे 1550 में से 500 माइनस 500 रुपीज CMC के लिए जाते, बचे 1050 में से 300 माइनस 300 रुपीज CSC, बचे 750 में से 350 लीडरशिप के लिए, बचे 400 माइनस 387, हम 18% GST पे करते, GST हम जो भी करते हो गवर्नमेंट को टैक्स पे करके करते, तो 18% GST चला जाता है। इसमें से बचे सिर्फ 13 रुपीज, 13 रुपीज ये मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, मेंटेनेंस। तो ये हो गया पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन, 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये 13 रुपीज मेंटेनेंस, ये हर बुकिंग में से जाता है। हमारा ऐप है तो उसका सर्वर मेंटेनेंस, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो भी हो मैनेज होता है, ये 13 रुपीज में से ही मैनेज हो जाता है। तो ये टोटल पूरा 2550 ये पूरा बाइफर्केशन ये है। हम अभी एक एक चीज डिटेल में समझते हैं। अभी ये स्पॉन्सर आपको समझ में आ गया, स्पॉन्सर यानी आप, आपको किसी ने बिजनेस के बारे में रेकमेंड किया, बिजनेस के बारे में आइडिया दिया, तो वो 100 रुपीज वो स्पॉन्सर को चले जाएंगे। अभी 36 लेवल में आपको बताऊंगा जो 20, 10, 10, 10, 10, 5, 5 ऐसे तरीके से ये 200 रुपीज डिवाइड बांटे जाते। प्लस अभी क्लब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, क्लब क्या है जिसमें आपके 700 रुपीज जाते, तो क्लब इनकम हम डिटेल में समझते हैं। अभी यहाँ पे ये मैं हूँ, मैंने ये बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया, मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूँ। मैंने 2550 देके यहाँ पे बिजनेस, मुझे बिजनेस करने का मौका मिला, तो मैं यहाँ पे IBO हूँ, मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। अभी बिजनेस कैसे करना है तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी यूज करूंगा, मुझे आइडिया मिलेगा बिजनेस के बारे में, उस हिसाब से सीख के मैं बिजनेस यहाँ पे करूंगा। तो यहाँ पे बिजनेस क्लब के थ्रू कैसे आपको इनकम मिलता है वो आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। अभी मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने अपने फ्रेंचाइजी खोल दिए, 3 फ्रेंचाइजी मैंने यहाँ पे खोल दिए। पहला फ्रेंचाइजी मैंने दिया मेरे एक फ्रेंड को मनोज जिसका नाम, दूसरा फ्रेंड है मेरा देव, और तीसरी फ्रेंड मेरी लवी, मेरी वाइफ, ये तीनों को मैंने फ्रेंचाइजी दे दी, मैंने तीनों पार्टनर मैंने बना दिए इन लोग को। अभी जैसे मेरे 2550 मैंने यहाँ पे पे करके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, वैसे इन्होंने भी 2550 दे के यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, उनका भी ऐसा बाइफर्केट हो गया पूरा टोटल अमाउंट। जैसे मेरे 700 रुपीज यहाँ पे बाइफर्केट हो गए, मेरे 700 रुपीज क्लब में चले गए, वैसे इन लोगों के भी 700 रुपीज क्लब में जाएंगे। वो 700 रुपीज कैसे मुझे मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे 6 टाइप ऑफ क्लब है, एक क्लब जब आप 700 रुपीज जब आप एक क्लब में आते हो, 700 रुपीज आप किसी को देते हो, तो एक क्लब में आप आ जाते हो,
अभी एक क्लब में आने के बाद में ये दो लोग आपको 700 700 देते हैं, तो अमाउंट हो जाता है 1400। इसमें से माइनस 900 आपको बी क्लब में अपग्रेड करने के लिए आपको 900 फॉरवर्ड करना पड़ता है। अभी 14 माइनस 900 इज इक्वल टू 500, 500 रुपया बचा, प्लस ये तीनों का स्पॉन्सरशिप यानी 100 इंटू इज इक्वल टू 300, अमाउंट हो गया 800। तो 800 आप बैंक अकाउंट आपका बेनिफिशियरी ऐड करके यहाँ पे ये पैसा विड्रॉ कर सकते हो विद इन 24 आवर्स। आपके अकाउंट में आ जाएगा, बैंक का चार्जेस जो भी होगा वो डिडक्ट होके आपके अकाउंट में आ जाएगा। अभी बी क्लब में आने के बाद में यहाँ पे ये बी क्लब में आने के बाद में ये ऑटो मोड पे चला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से ये काम करता है। यहाँ पे शायद आपका जो भी पार्टनर आगे जो भी होगा वो नोन होगा या अननोन भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस इज गोइंग ऑन 186 कंट्रीज, 186 कंट्री से ये बिजनेस फैला हुआ है। आप आज बिजनेस आपने यहाँ स्टार्ट किया है, कल आप कहीं यूएस में सेटल हो गए तो वहां से भी कर सकते हैं। वहां का जो भी करेंसी होगा वो इंडियन करेंसी के हिसाब से एक्सचेंज होके जो भी प्राइस होगा उस हिसाब से वहां से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बी क्लब में आने के बाद में क्या होगा, चार लोग आपको 900 900 देंगे। जैसे आपने किसी को 900 दिए, वहां यहाँ पे आपको चार लोग आपको 900 देंगे, अमाउंट हो गया 3600। 3600 फिर आपको अपग्रेड करना है, इसमें से तो 2000 आपका अपग्रेडेशन के लिए जाएगा, बचा अमाउंट 1600। 1600 आप अपने बैंक अकाउंट में इमीडिएट आप विड्रॉ करके ले सकते हो, वो भी बैंक का ट्रांजेक्शन जो भी होगा वो कट होके आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर सी क्लब में आप जैसे आपने 2000 दिया सी क्लब में आने के लिए, तो सी क्लब में आपको 8 लोग आपको 2 2000 रुपया देंगे, अमाउंट हो जाएगा 16000। 16000 इसमें से फिर आपको अपग्रेड करना है 10000, अपग्रेड के लिए दिया आपने, बचा अमाउंट 6000। 6000 आपने अकाउंट में विड्रॉ कर लिया। अभी डी क्लब में आने के बाद में 16 लोग 16 लोग आपको 10 10000 रुपया देंगे, अमाउंट हो गया 1,60,000। 1,60,000 इसमें से माइनस 1 लाख अमाउंट बचा 60,000, ये आप विड्रॉ कर सकते हो। अभी ई क्लब में आने के बाद में 32 लोग आपको 1 1 लाख रुपया देंगे, अमाउंट हो जाएगा 32 लाख। इसमें से अपग्रेडेशन के लिए 12 लाख माइनस अमाउंट बचा 20 लाख। 20 लाख अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे, अमाउंट बचे 12 लाख। सॉरी थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, 12 लाख आपके अकाउंट में आप विड्रॉ करके ले सकते हैं। अभी एफ क्लब में आने के बाद में 64 लोग आपको 20 20 लाख रुपए देंगे। आपने जैसे 20 लाख अपग्रेड के लिए दिया, वैसे 64 into 20 लाख। यहाँ पे आपका आगे कोई क्लब नहीं है तो आपका अपग्रेडेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे एक भी अगर पार्टनर आपको अपग्रेड होके आपको 20 लाख देता है तो आप वो तुरंत आपके अकाउंट में विड्रॉ करके ले सकते हो। यहाँ तक ई क्लब तक आपको कोई भी पैसा, आप सोचो अगर यहाँ पे 32 32 into 10 1 लाख अगर 32 लाख मिलते हैं, तो मुझे 32 लाख मिल गए तो मैं 32 लाख लेके निकल सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। जब तक अपग्रेडेशन नहीं होगा तब तक आप पैसा 12 लाख भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पे अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। 64F क्लब में 64 into 20 लाख, यहाँ पे एक भी पार्टनर अपग्रेड करके देता है आपको 20 लाख, तो आप वो पैसा विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे 64 into 20 लाख इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट हो जाता है 12.80 CR, और क्लब का टोटल अप्रोक्स जो प्राइस है वो प्राइस अराउंड 13 CR। तो आपने यहाँ पे क्या किया, बिजनेस करने के लिए आपने जस्ट अपने पर्सनल बुकिंग किया, उसके थ्रू आपको यहाँ पे बिजनेस मिला और बिजनेस स्प्रेड होते गया। डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये, अगर साइकिल अगर प्रॉपर तरीके से अगर चलने लग गया तो ये 36 मंथ में आपको 30 करोड़ देने का सक्षम रखता है ये बिजनेस। ये पूरा
प्लान किया हुआ है और प्रॉपर वर्कआउट किया हुआ है, और ये इस तरीके से अगर काम होता है तो ये 13 करोड़ रुपीस आपके 36 मंथ में आपके अकाउंट में होगा। चलो 36 मंथ छोड़ दो, 5 साल में, 10 साल में अगर भी आपको ये अमाउंट मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। आज हम जहाँ भी हैं, जो भी काम करें, मुझे नहीं लगता है कि हम इतना अमाउंट, इतना पैसा हम सेविंग के थ्रू हमारे अकाउंट में हमारे होगा, लेकिन यहाँ पे ये बिजनेस के थ्रू यहाँ पे 36 मंथ में आपको 13 करोड़ मिलने की गारंटी है। अभी एक मैंने आपको ये क्लब इनकम के बारे में बताया, अभी मैं आपको सीएमसी के बारे में बताऊंगा। सीएमसी यानी कंपनी मिलियनर्स क्लब। कंपनी मिलियनर्स क्लब ये एक तरीके का फंड है जो आपको यहाँ पे एक इनकम देने का, सीएमसी फंड। अभी ये अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर मंथ में 1 से 31 तारीख तक फंड में जाते हैं 500 रुपीज, हर बुकिंग में से 500 रुपीज जाते, तो 500 into, सपोज हमारे इस मंथ में अक्टूबर में 1 से 31 तारीख तक में 20,000 बुकिंग आई, 20,000 बुकिंग हो गई, थाईलैंड की बुकिंग 20,000 बुकिंग हो गई, तो अमाउंट जमा हुआ फंड में 1 करोड़। 1 करोड़, अभी ये 1 करोड़ किसको मिलेंगे? ये मैं हूँ अरुण, वही, और ये वही मेरे 3 पार्टनर हैं, मनोज, देव और लवी। ये 3 मेरे पार्टनर्स हैं। अभी ये 3 मैंने फ्रेंचाइजी खोले, इनके थ्रू मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है। मेरा बिजनेस कैसे फैला हुआ है सब जगह पे, तो कैसे मेरा ये सीएमसी में कैसे हासिल कर सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। अभी सपोज अक्टूबर में 1 से 31 तारीख के बीच में मनोज के यहाँ नेटवर्क में कहीं पे, मतलब ऑल ओवर मनोज के नेटवर्क में सपोज 100 बुकिंग आ गई थाईलैंड की, और देव के यहाँ से 100 बुकिंग आ गई, ये दोनों मिला के 200 बुकिंग हो गई, तो ये सीएमसी में मुझे मिल गई। सपोज अगर मैंने अकेले नहीं, अगर सीएमसी 200 बुकिंग मैंने की, तो ये टोटल 1 करोड़ मुझे मिलेगा। अगर किसी और ने भी अगर साथ में किया, किसी और ने भी अगर 200 बुकिंग की, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अभी तीसरे का फायदा यहाँ पे क्या है, सपोज किसी एक मनोज ने सपोज 100 बुकिंग की, लेकिन देव ने 100 नहीं की, 50 बुकिंग की, और लवी ने समझो 50 बुकिंग की, तो ये 50-50 100 हो गया, और ये 100, ये दोनों मिला के 200 बुकिंग हो गए। फिर भी ऐसे सीएमसी मैं इस तरीके से भी सीएमसी हासिल कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे सीएमसी ये अमाउंट कैसे डिवाइड होता है, देखो 1 करोड़ सपोज डिवाइड बाय, समझो 10 लोगों ने सीएमसी हासिल की, 200 बुकिंग 10 लोगों ने की, अभी 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10 लाख, एक पार्टनर को कम से कम 10 लाख रुपए मिलेगा। समझो 1 करोड़ डिवाइड बाय 100, 1 लाख कम से कम एक पार्टनर को। अभी इसमें से 25% WTC के लिए जाता है। WTC, WTC यानी वर्ल्ड टूर क्लब, मैंने आपको बताया था अलग अलग कंट्रीज में हमको घूमने का मौका मिलता है, तो उसके लिए 25% हमारे हर सीएमसी में से विड्रॉ किया जाता है, उस WTC क्लब के लिए विड्रॉ करके रखा जाता है। अभी बचा 75%, वो हमारे अकाउंट में हम तुरंत विड्रॉ करके ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम सीएमसी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। अभी दूसरा इनकम यहाँ पे सीएससी, सीएससी यानी कंपनी स्टूडेंट क्लब। कंपनी स्टूडेंट क्लब ये इनकम इस हिसाब से बनाया गया है, आजकल बहुत सारे कॉलेज के बच्चे, सीएससी फंड, कॉलेज के बच्चे जो पार्ट टाइम में कुछ काम करके पॉकेट मनी कमाना चाहते, हाउसवाइफ हो गए जो घर में कुछ साइड बाय साइड एक छोटा मोटा काम करके घर में कुछ इनकम अगर मिल जाए, एक सपोर्ट हो जाए फैमिली को, इस हिसाब से कुछ कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए उस हिसाब से ये सीएससी का इन्वेंशन हो गया 1 जून को, राजीव जायसवाल जी ने ये एडिशनल इनकम यहाँ पे एड ऑन किया, सीएससी फंड कंपनी स्टूडेंट क्लब। सेम अक्टूबर महीना है हमारा, 1 से 31 तारीख तक हमारे सीएससी में जाते हैं 300 300 रुपीज, 300 into, सपोज 20,000 हमारी बुकिंग है, अमाउंट जमा हुआ 60 लाख, इस फंड में जमा हुआ 60 लाख। अभी ये 60 लाख कैसे के डिवाइड होंगे, ये मैं हूँ अरुण,
और ये वही मेरे तीन पार्टनर हैं। अभी इनके थ्रू मुझे ये भी इनकम मुझे कैसे मिलेगा? बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे कम से कम काम करके यहाँ पे ये इनकम मैं कैसे ले सकता हूँ, तो ये यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे सपोज अक्टूबर महीने में 1 से 31 तारीख में मनोज के थ्रू नेटवर्क में उसके फ्रेंचाइजी, उसने भी बिजनेस को स्प्रेड किया, तो उसके नेटवर्क में इस महीने में समझो 42 बुकिंग आ गई मुझे इस महीने में, और देव के नेटवर्क में मुझे समझो 42 बुकिंग आ गए। ये 42 42 84 हो गए, मेरे को ये CSC मिल गया। अभी यहाँ पे तीसरे का फायदा उसी तरीके से है जैसे CMC में फायदा है, वैसे किसी एक नेटवर्क के थ्रू आपका 42 बुकिंग हो गए और दूसरे के थ्रू दोनों मिला के अगर 42 हो गए, जैसे देव ने 20 किया और लवी ने 22 किया, तो ये दोनों मिला के 42 हो गया, ये 42 42 84 हो गया, और इस तरीके से CSC यहाँ पे मुझे इस तरीके से भी CSC को मैं ले सकता हूँ। अभी 60 लाख शब्दों 60 लाख डिवाइड बाय 10 10 लोगों ने किया तो कम से कम 6 लाख एक पार्टनर को, 60 लाख डिवाइड बाय 100 कम से कम 60,000 मिनिमम, मतलब 42 पेयर करके कम से कम काम करके यहाँ पे मिनिमम 60,000 यहाँ पे इस इनकम के थ्रू हम कमा सकते हैं। तो ये है CSC, एक कमाल का इनकम। अभी दूसरा इनकम है वो भी एक बहुत बड़ा कमाल का इनकम है। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस बिजनेस को सीखते जाना है और उसको सिखाते जाना है, बस आगे बढ़ते जाना है, उस तरीके से हमको यहाँ पे इनकम ये मिलते जाएगा। अभी तीसरा इनकम लीडरशिप इनकम, लीडरशिप इनकम ये बहुत ही कमाल का इनकम है। ये आपको दिन में कैसे पैसे कमा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये मैं हूँ अरुण, वही मेरा ये तीन मेरे बिजनेस पार्टनर मनोज देव और लवी, ये तीन मेरे बिजनेस पार्टनर। अभी सपोज आज दिन भर में कहीं पे मनोज के नेटवर्क में कहीं पे एक बुकिंग आ गई और देव के नेटवर्क में कहीं पे एक बुकिंग आ गई और यहाँ पे बुकिंग नहीं आई अभी कुछ मिनटों में, मतलब आज दिन भर में कहीं बुकिंग नहीं आई, तो समझो यहाँ पे ये पैर हो गया तो एक पैर का यहाँ पे 200 रुपीज मुझे मिल गया। समझो यहाँ पे एक फिर दूसरे में टाइम में मुझे यहाँ पे बुकिंग नहीं आई, यहाँ पे एक बुकिंग आ गई और यहाँ पे एक बुकिंग आई, ये पैर हो गया फिर मुझे 200 रुपीज मिला एक पैर का। अभी यहाँ पे राजीव जायसवाल जी ने क्या किया है, दिन में 24 घंटे होते हैं उसको 8 8 आवर्स में डिवाइड किया है, 8 8 आवर्स 8 8 घंटे के 3 स्लॉट बनाए हैं, ये हमारे 24 आवर्स हो गए। पहला 8 घंटा स्लॉट है सुबह 4 से लेके दोपहर के 12, दूसरा दोपहर के 12 से लेके रात के 8, तीसरा रात के 8 से लेके सुबह के 4। अभी ये तीनों 8 घंटे का स्लॉट है, इसमें हम पैसे कैसे कमा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये पहला 8 घंटे का स्लॉट है सुबह 4 से लेके 12, समझो ये पहले 8 घंटे स्लॉट में मनोज के नेटवर्क में कहीं पे 3 बुकिंग आ गई और देव के नेटवर्क में समझो 2 बुकिंग और यहाँ पे रवि के नेटवर्क में कहीं पे 1 बुकिंग आ गई, ये 2 और 1 मिला के 3 हो गया, 3 3 का पेयर हो गया, तो ये 3:3 = 600, एक पेयर का 200 रुपया। समझो दूसरे 8 घंटे के स्लॉट में समझो यहाँ पे 2 बुकिंग आ गई, यहाँ पे 2 बुकिंग आ गई और यहाँ पे 4 बुकिंग आ गई, ये 2 2 4 हो गया, 4 4 का पेयर हो गया, 4:4 = 800, एक पेयर का 200 तो 4 पेयर का 800। अभी तीसरे 8 घंटे के स्लॉट में समझो यहाँ पे 5 बुकिंग आ गई और यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, ये 2 3 5 हो गए, 5 5 का पेयर हो गया, तो 5:5 = 1000, 1000 बुकिंग या 1000 रुपए यहाँ पे मेरे हो गए पैर के। अभी यहाँ पे राजीव जायसवाल जी ने क्या किया है, यहाँ पे कैपिंग रखा है और वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे कंपनीज बिजनेस ऐसे होते हैं जो आपको ज्यादा पैसा दिखा के
दे देते हैं, लेकिन कंपनी का कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, कहीं ना कहीं वो पैसा कंपनी के जेब में से जाने लग जाता है और कंपनी बंद हो जाती है। तो वैसा ना हो इसीलिए कंपनी यहाँ पे, कंपनी लॉन्ग टाइम चलती रहे इसीलिए कंपनी ने कैपिंग रखा है कि वो पैसा इक्वली मैनेज हो सब जगह पे, प्रॉपर सबको इक्वली बांटा जाए, कहीं भी गड़बड़ ना हो, इसीलिए कैपिंग रखा, और वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कैपिंग है, आपको 600 नहीं, आपको यहाँ पे 500 मिलते, आपको यहाँ पे 800 नहीं, आपको यहाँ पे 500 मिलते, आपको यहाँ पे 1000 नहीं, आपको यहाँ पे 500 मिलते। तो ये हर 8 घंटे में 500 रुपया, पूरे दिन भर में 24 घंटे में आपको 1500 रुपया। इसको अगर मल्टीप्लाई करें 30 डेज में, तो ये अमाउंट हो जाता है 45,000, 45,000 का ये एक अलग से इनकम, दिन में 1500 रुपया और महीने का 45,000। तो ये अलग से एक अलग बहुत बड़ा इनकम है, कमाल का इनकम। तो आपको मैंने यहाँ पे सब इनकम बताया, अभी यहाँ पे मैं 36 लेवल वाला आपको इनकम बताऊंगा, वो इस बिजनेस का सबसे बड़ा इनकम है। आपने देखा होगा उसको, मैंने उसको कैसे डिवाइड किया है, 10 20 रुपया, 10 रुपया, 5 3, इस हिसाब से बांटा जाता है। हमको लगा, मुझे लगा था जब मैंने देखा पहले, जब प्लान को देखा था, तो ये क्या 10 10 20 20 चिल्लर रुपया, मतलब ये नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, इट्स ओके, ऐसा ऐसा लगता है। लेकिन इस बिजनेस का सबसे बड़ा इनकम यही है, इसको कहते हैं एफिलिएट इनकम। एफिलिएट इनकम, अभी हमने यहाँ पे 3 के साइकिल से चलेंगे, हमने अपने 3 पार्टनर किए, 3 फ्रेंचाइजी खोले, तो उसी के हिसाब से साइकिल से चलेंगे। 3 × 3 मतलब 3 का मल्टीप्लीकेशन 9, 9 का मल्टीप्लीकेशन 27, 27 का मल्टीप्लीकेशन 81, फिर 243, फिर 729। तो कैसे उस हर लेवल में पैसे कैसे मिलते हैं वो समझेंगे। फर्स्ट लेवल में 20 रुपीज, तो 9 × 20 इजिकल टू 180 फर्स्ट लेवल में। सेकेंड लेवल में भी 20 रुपीज, 27 × 20 इजिकल टू 540। थर्ड लेवल में 10 रुपीज मिलते हैं, तो 81 × 10 इजिकल टू 810। फोर्थ लेवल में भी 10 रुपए मिलते हैं, तो 2430। फिफ्थ लेवल में भी 10 रुपीज मिलते हैं, तो 7290। अभी रफली मैं आपको बताऊंगा, 10th लेवल में अमाउंट हो जाता है 2,95,000। 19th लेवल में ये अमाउंट हो जाता है 581 CR। 36 लेवल में ये अमाउंट हो जाता है 3,500 करोड़, 3,500 करोड़। क्या हमने सोचा था कि ये चिल्लर अमाउंट है, और यही बहुत बड़ा, ये बिजनेस का सबसे बड़ा इनकम है। और ये इनकम, ये कॉर्पोरेट लेवल का इनकम है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस जो होते हैं वो इसी हिसाब से चलते हैं। जब छोटा छोटा अमाउंट जब ज्यादा लोग से मिलता है, तो हमको ये ऐसा बड़ा अमाउंट मिलता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जियो, मुकेश अंबानी ने जब जियो को लॉन्च किया, तो उसने यही सोचा कि मैं 10 लोगों से 100 100 रुपया लूँ, उससे अच्छा मैं 100 लोगों से 10 10 रुपया लूँ, वो मेरे लिए अच्छा होगा, लोगों के लिए भी अच्छा होगा। तो उसने क्या किया, पूरा जियो को लॉन्च किया और जियो को सब जगह फैला दिया, फ्री में दे दिया, उसने अपना कस्टमर बेस बढ़ा दिया, साल 1.5 साल में कस्टमर बेस इतना बढ़ा दिया, और फिर नॉमिनल कॉस्ट लोगों से लेना चालू कर दिया। जो एक्चुअल कॉस्ट कम्युनिकेशन का होता है वो उसने लेना चालू कर दिया, जो नॉमिनल 300 रुपीज है अभी, 300 to 200 रुपीज पर मंथली, जिसमें आपको डेटा भी है, कॉलिंग भी है, एसएमएस भी है, टोटल है। तो ऐसा ही जब आपको ये छोटा अमाउंट जब ज्यादा लोगों से मिलता है, तो लाखों करोड़ों में मिलता है। उस हिसाब से धीरू मुकेश अंबानी जियो आज सबसे सब जगह छा गया है। उसी हिसाब से ये इस बिजनेस में भी ऐसा, जब आप 36 लेवल में, जब एक छोटा अमाउंट, ये 36 लेवल में छोटा अमाउंट आपको ज्यादा लोग से मिलता है, तो ये 3,500 करोड़ रुपया मिलता है। ये सब जो हमारे पूछते बैठ के खा सकते, इतना पैसा है ये, तो ये सबसे बड़ा इनकम। अभी यहाँ पे मैंने आपको इनकम बता दिया यहाँ पे जितने थे, फिर भी एक एडिशनल इनकम है यहाँ पे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा।
जिसको कहते हैं स्टार रेटिंग इनकम। हमने स्टार रेटिंग हर जगह किया है, हम जो भी आज ऑनलाइन परचेस करते हैं तो स्टार रेटिंग जरूर देते हैं। हमको अगर कहीं परचेस करना है तो हम स्टार रेटिंग देखते हैं कि लोगों ने कितना स्टार दिया है इस प्रोडक्ट को, कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, उसका रिव्यूज देखते हैं, उसके बगैर हम खरीदते नहीं। तो स्टार रेटिंग यहाँ पे, स्टार रेटिंग के थ्रू हमको यहाँ पे पैसा कैसे मिलता है तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अभी यहाँ पे ये स्टार है, एक स्टार की कीमत 10 है, 5 स्टार की कीमत 50। अभी समझो मेरे 1000 पार्टनर्स की टीम है, मैं 1000 पार्टनर्स को मैं इक्वली इजीली गाइड करता हूँ, उनको अच्छे से बिजनेस के बारे में हर अपडेशन देता हूँ, बिजनेस का हर नॉलेज मैं उनको स्प्रेड करता हूँ। तो उनको एक ऑप्शन है कि मेरे मैं सीनियर पार्टनर को मैं एक रेटिंग दे सकता हूँ कि वो मुझे अगर अच्छा गाइड करते, मुझे बिजनेस का हर अपडेट देते तो मेरे लिए वो सीनियर बहुत अच्छा है, तो मैं उनको एक रेटिंग देके उनका एक एक कर सकता हूँ, मैं उनकी तारीफ कर सकता हूँ, उनको अपडेट कर सकता हूँ, तो मैं स्टार रेटिंग दे सकता हूँ। तो उस हिसाब से अगर चलो 1000 पार्टनर्स मैं उनको अच्छे से गाइड कर रहा हूँ तो वो मुझे अगर रेटिंग देते हैं 1000 × समझो 5 स्टार रेटिंग इज इक्वल टू 50, तो अमाउंट हो गया 50,000। समझो मेरी टीम 10,000 की हो गई और उनको मैं अच्छे से गाइड कर रहा हूँ तो अमाउंट हो गया 5 स्टार के हिसाब से 5 लाख। समझो मेरी 1 लाख की टीम है इनटू 5 स्टार रेटिंग, ये अमाउंट हो गया 50 लाख। ये ऐसा हो गया, भला करो तो लाभ जरूर मिलेगा। यहाँ पे इस बिजनेस में ऐसा है, आप अगर अच्छा करोगे तो आपको फल यहाँ पे जरूर मिलेगा। तो ये एक अलग से इनकम है यहाँ पे, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है स्टार रेटिंग के थ्रू। यहाँ पे हमारे एक सीनियर पार्टनर कांति भाई जो जून मंथ में हमको छोड़ के चले गए, भगवान के पास चले गए, वहां पे चले, तो बिजनेस तो ट्रांसफर हो गया उनके नॉमिनी को, उनके पार्टनर जो भी थे, उनकी वाइफ या उनकी बेटी, उनको ट्रांसफर हो गया। लेकिन एक इमीडिएट हेल्प के हिसाब से हमारे सब पार्टनर ने सोचा कि वो बहुत अच्छे सीनियर पार्टनर थे, तो हमको एक रेटिंग देके सडनली उनको हेल्प करना चाहिए। तो हमने मैंने पर्सनली मैंने 5 स्टार दिया, तो सोचो लाखों पार्टनर आज है, अगर हर किसी ने अगर कुछ भी स्टार दिया तो इमीडिएट हेल्प कैसे मिलता है। तो ये एक जीता जाता एग्जाम्पल स्टार रेटिंग का यहाँ पे है, और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टार रेटिंग के थ्रू भी अच्छा आपको यहाँ पे इनकम मिलेगा। तो ये एक अलग स्टार रेटिंग का इनकम यहाँ पे। और अभी यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहूंगा जो हर इंसान अपने लाइफ में चाहता है, जो बहुत जरूरी है सबको, वो क्या है? फैमिली सिक्योरिटी। हर इंसान चाहिए, वो हर इंसान सोचता है कि मेरी फैमिली सिक्योर हो। तो यहाँ पे 15 अगस्त को हमारे राजीव जायसवाल जी ने ये भी एडिशन कर दिया, फैमिली सिक्योरिटी। हर किसी को यहाँ पे फैमिली सिक्योरिटी भी मिलेगी। कैसे? सपोज ये मैं हूँ अरुण, मैंने 30 डेज में मेरे ये तीन पार्टनर मैंने यहाँ पे कर दे, मनोज ये मेरे तीन पार्टनर है, ये मैंने 30 डेज में, 30 दिन में ये मेरे थ्री पार्टनर्स मेरे हो गए और मुझे यहाँ पे 6 लाख, 6 लाख की, 6 लाख की फैमिली सिक्योरिटी मुझे यहाँ पे मिल गई। ये कभी मिलेगी मुझे? जब भी कभी मेरे ये तीन पार्टनर्स होने के बाद में जब भी मेरी सीएससी होगी उसके बाद, ये मेरे 30 डेज में मेरे तीन पार्टनर हो गए तो ये मेरे 6 लाख कंफर्म हो गए। लेकिन सीएससी होने के बाद में सपोज इनके फ्यूचर में अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरा भगवान ना करे किसी को भी कुछ ना हो, अगर हो जाता है, वक्त का भरोसा नहीं, कुछ भी कुछ हो सकता है, अगर कुछ होता है तो ये 6 लाख की फैमिली सिक्योरिटी मेरे फैमिली को मिलेगी। कैसे? 2 लाख चाइल्ड बच्चे के नाम पे, 2 लाख वाइफ के नाम पे, 2 लाख पेरेंट्स के नाम पे। इस तरीके से 6 लाख रुपए यहाँ पे ये फैमिली सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है, जो आजकल कहीं इंश्योरेंस में भी नहीं आपको मिलेगा। यहाँ पे हमने पर्सनल बुकिंग की, उसके थ्रू हमको यहाँ पे ये फैमिली सिक्योरिटी भी मिलती है। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है एक बिजनेस के, बिजनेस में, जो मुझे नहीं लगता है कोई इतनी हिम्मत कर सकता है देने के लिए। तो
ये बहुत बड़ी चीज हमारे राजीव जायसवाल जी ने यहाँ पे की है। अभी मैंने आपको टोटल सब चीज बता दिया, जस्ट आपके सामने एक सर्वे रखना चाहूंगा। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्वे है, बहुत कमाल का सर्वे है वो। मैं भी जब उसको सर्वे को फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मैं भी अचंभित हो गया, मैं भी मतलब शॉकिंग हो गया। तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 1940, 1960, 1980, 2000, 2020, ये इस साल में समझो 1940 में क्या होता था, हम दो हमारे आठ, अगर हमारा 10 रुपया भी हमारी सैलरी है फैमिली की तो घर खर्चा पूरा चल जाता था। दो से ये 10 लोगों का पूरा खर्चा चल जाता था 10 रुपए में। 1960 में हम दो हमारे छ, 100 रुपया अगर भी फैमिली का सैलरी है तो घर खर्चा चल जाता था। 1980 में हम दो हमारे चार, 1000 रुपया अगर फैमिली की सैलरी है तो घर खर्चा पूरा मैनेज हो जाता था। 2000 में हम दो हमारे दो, 10,000 भी अभी सैलरी है तो पूरा घर मैनेज हो जाता था, खर्चा चल जाता था एक मिडिल क्लास का। 2020 में हम दो हमारे कितने, ये सवाल आता है हर किसी के, और एक्चुअली आता है, लोग सोचते हैं आजकल, फिर प्लानिंग करना पड़ता है कि अगर एक बच्चा भी अगर मुझे चाहिए तो मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ क्या, क्या मेरी कैपेबिलिटी है, क्या मैं उसको अच्छे से परवरिश दे सकूँ, मैं उसका अच्छे से उसका एडुकेशन सब देख सकूँ, कि क्या मैं इतना कैपेबल हूँ, क्या मेरी सैलरी 1 लाख है, अगर नहीं है तो वेलकम टू द VGF। यहाँ पे आपको CMC में हर महीना 1 लाख रुपए मिल सकता है। CSC बिजनेस स्टार्ट करते हुए आपको कम से कम 30,000 to 40,000 यहाँ पे CSC के थ्रू स्टार्टिंग पीरियड में आप कमा सकते हो। यहाँ पे क्लब में आपको 13 करोड़ की फिक्स FD अगर आपने 3 कर लिए तो आपको ये 13 करोड़ आपको मिल नहीं है, ये कन्फर्म है। 36 लेवल में आपको ये 3,500 करोड़ का एक इनकम यहाँ पे देता है। आपको लीडरशिप में दिन में 1500 रुपए का इनकम, स्टार रेटिंग में आपको जैसे जैसे आप बढ़ोगे और जैसे जैसे अच्छा काम करोगे स्टार रेटिंग में अलग से इनकम, फैमिली सिक्योरिटी 6 लाख की। आपने यहाँ पे इतने सारे इनकम देखे हैं। यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया, जस्ट हमने हमारी पर्सनल बुकिंग की, वो भी हमको एक इजीली छोटे अमाउंट में हमको मिल गई और वो भी हम लाइफ में कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। और राजीव जायसवाल जी ने हमको यहाँ पे अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में घूमने के लिए भी एक ऑफर दी है, तो हमको रैंक वाइज वो भी मिलेगा घूमने के लिए। हमने आए यहाँ पे बिजनेस करने के लिए तो 2550, वो तो हम बिजनेस तो फ्री में कर रहे हैं, हमने जस्ट हमारी पर्सनल बुकिंग की। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा प्लान प्रेजेंटेशन मैंने खत्म कर दिया। होपफुली आपको मैंने पूरा कोशिश की, मैंने सबको डिटेल में बताने की, अगर कुछ मिस हो गया तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी तरीके से कोशिश की। तो यहाँ पे मैंने समाप्त कर दिया अपना प्लान प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच।